नमस्कार दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टॉप 10 अननोन फैक्ट्स अबाउट जापान। जापान के बारे में ये वाले फैक्ट्स आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुना होगा, तो मेरी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की और नॉलेजेबल होने वाली है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले न्यू विजिटर्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज के जमाने में हर देश में क्राइम तो कॉमन हो गया है, पर जापान दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहाँ पे क्राइम रेट सबसे कम है। यहाँ तक कि जापान के ज़्यादातर लोग जब कहीं बाहर जाते हैं तो अपने हाउस को लॉक करके नहीं जाते हैं, सिर्फ कुंडी लगा के जाते हैं। और यहाँ पे बाईसाइकिल के लॉक बहुत कम बिकते हैं, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोग बाईसाइकिल को बिना लॉक करके कहीं भी पार्क कर देते हैं। तो वाकई जापान बहुत सेफ जगह है। जापान के लगभग हर स्ट्रीट कॉर्नर पे आपको एक ना एक वेंडिंग मशीन जरूर दिखेगी, जो कि पूरी तरह रोबोटिक होती है। इस वेंडिंग मशीन से आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे कि क्लोथ्स, फूड्स, कॉफ़ी, सिगरेट्स, वाइन, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। पूरे जापान में लगभग 5.52 मिलियन वेंडिंग मशीन्स हैं। जापान का कैपिटल टोक्यो इस दुनिया का सबसे बड़ा सिटी है। टोक्यो में लगभग 33 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। इसके अलावा टोक्यो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे एक्सपेंसिव सिटी है। अगर आपको जापान घूमने का मौका मिलता है तो आप जापान के कैपिटल टोक्यो में ज़रूर घूमिएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा आइसलैंड जापान में है। इनफैक्ट पूरा का पूरा जापान द्वीपों में बसा हुआ है। पूरे जापान में लगभग 6,852 द्वीप हैं, जिनमें से जापान के चार बड़े द्वीप हैं होनशू, होकाइडो, क्यूशू और शिकोकू। आपने ये तो सुना होगा कि जापानीज ट्रेन बहुत एडवांस है और टाइम की पंक्चुअल है, तो आपको बता दें कि जापान की ट्रेन इतनी टाइम की पंक्चुअल हैं कि उनका रिकॉर्ड है कि वो 18 सेकंड से ज़्यादा लेट नहीं हुई हैं। और इंडिया में तो ट्रेनों का 2 घंटा लेट होना आम बात है। पांचवें नंबर से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन होता है, उसे ही प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हर कंट्री में अर्थक्वेक आना तो आम बात है, पर इतने अर्थक्वेक्स नहीं आते जितने जापान में आते हैं। जापान में हर साल एवरेज 1500 अर्थक्वेक्स आते हैं, जिसमें से ज़्यादातर अर्थक्वेक्स छोटे और कम नुकसानदायक होते हैं। पर इसके अलावा जापान में बड़े बड़े भूकंप भी आते हैं, जो कि 8 रिक्टर स्केल तक पहुंच जाते हैं। 4 नंबर, 4 नंबर, इस नंबर से ज़्यादातर जापान के लोग हेट करते हैं, क्योंकि जापान के लोगों का मानना है कि ये 4 नंबर डेथ को सिंबलाइज करता है। इस कारण से जापान के बिल्डिंग्स में 4th नंबर का फ्लोर नहीं होता है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने इस वाले फैक्ट को 4th नंबर पे रख रखा है, क्योंकि ये वाला फैक्ट 4th नंबर से रिलेटेड है। जापान में एक बहुत ही अजीबोगरीब कंपटीशन है, जिसका नाम है क्राइंग सूमो कॉन्टेस्ट, जिसमें रेसलर्स को छोटे बच्चे या फिर बच्चियां दी जाती है
और जिस रेसलर ने दिए गए अपने बच्चे और बच्चियों को रुला दिया वो रेसलर इस कंपटीशन को जीत जाता है। जापान दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहाँ पे सबसे कम आत्महत्याएं होती हैं, पर जापान में एक अओकीगारा नाम का फॉरेस्ट है जिसको सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सुसाइड करने के लिए इस जगह को ही चुनते हैं। और आपको बता दें कि ये फॉरेस्ट दुनिया का दूसरा सबसे पॉपुलर प्लेस है सुसाइड करने के लिए। अगर मैं कहूँ कि कुरिल आइसलैंड के चक्कर में वर्ल्ड वॉर टू के समय से जापान और रशिया के बीच में अभी तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ है तो आपका क्या रिएक्शन होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि रशिया और जापान के बीच में वर्ल्ड वॉर टू के समय से कोई भी शांति प्रस्ताव पे साइन नहीं हुआ है। और कुरिल आइसलैंड जिस आइसलैंड के कारण युद्ध हुआ था अब वो आइसलैंड रशिया का एक आइसलैंड बन चुका है। तो अगर आज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आपको जापान के बारे में सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।